अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम बड़ा करीम और रहम करने वाला है। प्यार दोस्तों, ये कायनात मेरे मालिक ने जब से बनाई तो इसकी इस कायनात के एक जोड़ी भी बनाई, जोड़ियाँ बहुत सी बनाई जिसमें अशरफुल मखलूकात इंसान की जो जोड़ी बनी। वक्त के हिसाब से खुराकों ने जो करवटें ली, उन खुराकों से इस में ऐसे ऐसे अमराज पैदा हुए, कुछ अपने मशागल की वजह से, कुछ गलत कामों की वजह से। लेकिन ये बहस लंबी है, लेकिन दोस्तों के लिए आज एक ऐसा नुस्खा मैं लेकर आया हूँ जिसमें मर्द के लिए तो हमेशा इंसाक के नुस्खे ढूंढे जाते हैं, लेकिन उस मासूम औरत के लिए कभी नुस्खे बहुत कम से कम हमारे हुक्मा ढूंढते हैं। जिस तरीके से जज्बात मर्द के हैं, इसी तरीके से औरत के भी जज्बात हैं, उसके जज्बात की भी कद्र करनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा दोस्तों की नज़र करूंगा जिसमें खासकर मियां बीवी के दरमियान जो सर्द मोहरी पैदा हो जाती है, ये भी एक बीमारी है। और इस बीमारी में मर्द की भी बीवी से रुहबत कम हो जाती है और कभी कभार बीवी की अपने शरई तौर पर मर्द से भी नफरत हो जाती है, यानी कि एक शरई फेल की उससे भी उसकी नफरत सी हो जाती है। तो उसके लिए एक ऐसा नुस्खा जो औरत की सर्द मोहरी और उसके अंदर एक वलवला, एक जोश व जज्बा अपने शोहर के लिए पैदा करने का एक ऐसा नुस्खा है जो कि मर्द के लिए भी है और औरत के लिए भी है। मियां बीवी की अज़दवाजी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ये नुस्खा मैं आज दोस्तों की नजर कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों, जिन औरतों का शरई तौर पर मर्द से इस चीज की तरफ रुझान नहीं रहता और सर्द मोहरी का शिकार हो जाती है, इस चीज से भी नफरत करती है, जमा से नफरत करती है, तो उसकी सर्द मोहरी को खत्म करने के लिए, उसके अंदर जवानी का वलवला पैदा करने के लिए एक ये ऐसा नुस्खा है जिसको आप खिलाकर देखेंगे तो इंशाल्लाह एक जोश वलवला, एक औरत में जवानी की उमंग ही दोबारा पैदा होगी। और मर्द के लिए इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके ये नुस्खा मैं बनाता हूँ और औरतों के लिए अलग से थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करके मैं बनाता हूँ। मैं अपने उन पाक दामन औरतों के लिए ये नुस्खा दे रहा हूँ जो कि खासकर इस बीमारी का शिकार हो जाती है। ये भी एक बीमारी है कि उनका जमा से नफरत हो जाती है, सर्द मोहरी हो जाती है, उनका दिल ही नहीं करता, अपने शरई तौर पर भी शोहर को भी वो मुंह नहीं दे सकती। तो ऐसे औरतों के लिए दोस्तों के लिए नुस्खा में इसको इमसाक का नुस्खा कहते हैं। इसमें इमसाक के अलावा जो एक सर्दी पैदा हो जाती है उसको, उस सर्दी को ख़त्म करने के लिए ये नुस्खा बहुत मकबूल और सादा सा नुस्खा है। आप एक दफ़ा बनाएं, इंशाल्लाह जितनी मैं बात कर रहा हूँ इससे इसको कहीं ज़्यादा बेहतर पाएंगे। जो सर्द मोहरी औरतों में और मर्दों में पाई जाती है, उनका इस तरफ ध्यान नहीं जाता शरई तौर पर। तो ऐसे मर्द जो बड़े बड़े महंगे नुस्खे इस्तेमाल कर चुके हैं, उनको भी आप हुक्मा बना कर दें और वो खुद भी इसको बना सकते हैं, तो इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर ये भरपूर अपना रिजल्ट दिखाता है। प्यारे दोस्तों, नुस्खा कुछ इस तरीके से है, नुस्खे को बनाएं और गौर से नुस्खे को एक मामूली और हकीर न समझना। ये एक मेरे उस्ताद का अति ऐसे समझ लें कि मेरे को गिफ्ट दिया, उन्होंने दिया था और वो भी बहुत ये चलाते थे। प्यारे दोस्तों, नुस्खा कुछ इस तरीके से है, दारचीनी आपने लेनी है 50 ग्राम, पान की जड़ आपने लेनी है 50 ग्राम और इसमें जाफरान है 10 ग्राम। मुख्तसर सा नुस्खा है, आपने इसको क्या करना है, एक पाव पानी पान का लेना है। पहले ये सारी चीजें गुबार करके कपड़ छान कर लें,
और फिर इसके अंदर आपने एक पाव पान का पानी इसमें डालना है और इसको खल करके ये पानी खुश करके, और इसके 500 मिलीग्राम के चाहे तो आप कैप्सूल भर लें और चाहे तो चने के बराबर गोलियां बना लें। ये औरतों के लिए एक गोली आप सुबह शाम उनको दे, सिर्फ 15 दिन। चौथे पांचवें दिन उनकी सर्द मोहरी टूटना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि अल्लाह के फजल करम से एक खून में जोश और वलवला पैदा होगा, और वक्त खास इसके बाद आप दो गोली खिला सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन खिलाने से इसका और भी जोश वलवला फिर उमड़ आता है। ये औरतों के लिए मैंने बताया, पानी के साथ एक कप दूध के साथ आप उनको एक टाइम रात को दे सोते वक्त, और सुबह को नाश्ते से एक घंटा पहले या एक घंटा बाद में दें। मर्दों के लिए इसी नुस्खे के अंदर, जो मर्द सर्द मोहरी का शिकार हो जाते हैं उनका रोबत की तरफ दिल ही नहीं करता और वो मुकम्मल तौर पर इस चीज़ से नफरत करने लग जाते हैं, ऐसे मर्दों के लिए इसके अंदर आपने सिर्फ 50 ग्राम कुचला मुदब्बर अच्छा सा किया हुआ इसमें खल कर लेना है और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। ये भी इसी तरीके से उनको खिलाएं। जो गर्म मिजाज के, औरत का मिजाज जो सा होता है हमेशा गर्म खुश मना गुद्दी उजलाती होता है, सेहतमंद औरत का, वैसे अमूमन कई औरतें गुद्दी असाबी भी होती हैं, लेकिन इसका मिजाज असल में ये इसकी जो कुदरती जो एक तहरीक है वो गुद्दी तहरीक है। बच्चे जितने जब तक बालिग नहीं होते उनकी ये हमेशा तहरीक असाबी होती है, और जैसे बलूगत की तरफ जब उनकी उम्र आती है लड़की होती है तो वो असाबी गुद्दी तहरीक से होकर गुद्दी असाबी में चली जाती है, और मर्द जो सा है वो उजलाती तहरीक में चला, उजलाती असाबी या उजलाती गुद्दी उसका मिजाज हो जाता है। ये मेरे मालिक का, जब ये मिजाज अपना छोड़ते हैं तो वो उस कमजोरी का शिकार होते हैं और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। मर्द अगर गर्मी में चला जाए तो बीमार, औरत अगर सर्दी में चली जाए तो बीमार बांझ हो जाती है। ये नुस्खा बनाएं, और मेरे जो मर्द हजरात हैं वो 2 घंटे कबल भी इसको 2 गोली ले सकते हैं पानी के साथ, या 500 मिलीग्राम का कैप्सूल आप खाएं और इस मामूली से नुस्खे को आप बनाएं। हैरत ज़्यादा होंगे और त्रियाग वगैरह को, काली माता को भी भूल जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, बनाएं और दुआओं में याद रखें। हकीम खान मसूम रो सांगर दुआओं का तलबगार। खुदा हाफिज़।